ब्लाइंड टेस्टिंग ना काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, काफी ज्यादा क्यूरोसिटी बिल्ड हो जाती है। जब मैं खुद कर रहा हूँ मेरे अंदर ही क्यूरोसिटी बिल्ड हो गई है कि ये वाली कौन सी होगी, ये वाली कौन सी होने वाली है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू छेका। सो आज का कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज टू सब्सक्राइब, साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहे। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक दारू तथ्य, एल्कोहल से जुड़ा हुआ एक फैक्ट। सो एंड तक में बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए। ऑलराइट, तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एंड एज यू ऑल कैन सी ये वाइट लेबल, सो दिस विल बी अ ब्लाइंड टेस्टिंग। फ्रेटेली की दो वाइन का कंपैरिजन करने वाले हैं हम, एक है कैबने सुवेनियर और दूसरी है क्लासिक शिराज। इन दोनों वाइन का इंडिविजुअल रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और आप लोगों का प्यार वाइन के वीडियोस के लिए काफ़ी ज़्यादा है, व्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं वाइन के वीडियोस पे। सो आई थॉट इनका कंपैरिजन भी किया जाए, देखा जाए कि इन दोनों वाइन में से अगर हम साइड बाय साइड टेस्ट करते हैं तो कौन सी वाइन जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑलराइट, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। अब मुझे नहीं पता है ये ग्लासेस के अंदर कौन से ग्लास में कौन सी वाइन पोर है, एंड दिस इज कम्प्लीटली ऑनेस्ट ब्लाइंड कंपेरिजन। सो ये टैग्स पहले से लगा दिए गए हैं और उसके अंदर वाइन पोर हुई है, सो आई एम नॉट अवेयर कौन से ग्लास के अंदर कौन सी है, ये बॉटल जैसे रखी हुई है वैसे ही है या कैसे है, दैट विल कम टू नो आफ्टर टेस्टिंग जब मैं ये टैग हटाऊंगा यहाँ से। तो चलो कलर की बात करते हैं पहले। व्हाट आई कैन सी इज रूबी रेड कलर, रेडिश है ज़्यादा। नोज करें, आई थिंक आई एम गेटिंग प्लम, एंड हिंट ऑफ ब्लैक पेपर, या आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अब इसे पीकर देख लेता हूँ। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो इसके अंदर मुझे ऑफकोर्स प्लम का टेस्ट आ रहा है, उसके साथ साथ मैं आई थिंक आई एम गेटिंग मिंट ऑन माय पैलेट। या टेस्ट ठीक ठाक सा लग रहा है, एंड इफ आई यू नो रिकलेक्ट शायद मुझे पता है कि ये वाली वाइन कौन सी है। अब मैं ये भी पीकर देख लेता हूँ, वो मेरा जो शायद है वो श्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। So let me take this glass and इस वाइन के कलर की अगर बात करी जाए तो ये थोड़ा सा वाइन कलर साइड पे है ज़्यादा देन रेडिश, ये जो है वो थोड़ा सा रेड कलर ज़्यादा था, इसमें वाइन कलर जो है what I can define। Alright, let's start with nosing। आई थिंक इवन मुझे टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, अब मैं डिफाइन कर चुका हूँ एंड आई थिंक मैं सही हूँ। इसके नोज करने के बाद मैं आई एम गेटिंग इस टबैको, उसके साथ साथ मैं प्लम का जो नोट है वो मुझे आ रहा है। या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द नोज। अब हम इसे पीकर देख लेते हैं। Cheers guys।
टेस्ट में आई थिंक आई एम गेटिंग ऑलिव, अफकोर्स प्लम, फ्रूटी सी है वाइन ये, इट इज लाइक वेल बैलेंस्ड वाइन, ज्यादा स्वीट नहीं है, ज्यादा सार भी नहीं है, आई थिंक मैं डिफाइन कर चुका हूं कि कौन सी वाइन कौन सी होनी चाहिए। दीज ब्लाइंड टेस्टिंग ना काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है जब मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे अंदर ही क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी कि ये वाली कौन सी होगी, ये वाली कौन सी होने वाली है। सो मेरे लिए अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो ये जो वाइन है वो काफी अच्छी है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो टैग हैं उनको निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सी वाली ग्लास के अंदर कौन सी वाली वाइन है। ऑलराइट, तो पहले देखते हैं जो मुझे कम पसंद आई है ये कौन सी है। ओके, इस पे लिखा हुआ है क्लासिक शिराज, आई एम नॉट श्योर ये आपको ठीक से दिखेगा या नहीं, बट ये वाली जो वाइन है दिस इज क्लासिक शिराज। और अफकोर्स जो दूसरी वाली वाइन है जो मुझे ज्यादा पसंद आई, दैट इज कैबने सुविनियर। या तो अभी टेस्ट की बात तो हमने कर ली अफकोर्स, और कौन सी वाइन मुझे अच्छी लगी वो भी मैंने आपको बता दिया, कैबने सुविनियर। बट इन दोनों वाइन्स के प्राइस में जो वेरिएशन है वो काफी अच्छा खासा है। अगर हम कैबने सुविनियर की पूरी 750 ml की बॉटल की बात करें तो वो आपको मिलती है 1000 रुपये में इन मुंबई महाराष्ट्र, और अगर हम क्लासिक शिराज की बात करें तो ये बॉटल आपको मिलेगी समवेयर 600 रुपीज़ इसका प्राइस है इन मुंबई महाराष्ट्र फॉर 750 ml बॉटल। तो 400 रुपये का जो वेरिएशन है वो है इन दोनों वाइन की प्राइस में, और इनका जो टेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। ऑफ कोर्स फॉर मी दिस वाइन इज क्वाइट गुड देन दिस। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 400 रुपए खर्च करके ज्यादा, मतलब कैबने सुविनियर, वैसे तो दोनों वाइन के जो ग्रेप्स हैं वही अलग हैं, तो अगर आपको सिर्फ शिराज ग्रेप्स की वाइन ही पसंद है देन ऑफ कोर्स यू विल लव शिराज ओनली, और आपको सस्ते में भी मिल रही है, कम पैसे में भी मिल रही है, एंड इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ कैबने फ्रैंक एंड शिराज, 80% शिराज है, 20% इज कैबने ब्लैंक, सॉरी कैबने फ्रैंक। एंड कैबने सुविनियर तो ऑफकोर्स काफ़ी सारे फैन होते हैं इस टाइप की वैरायटी ऑफ ग्रेप्स के और उनसे बनी हुई वाइन के। तो मेरे लिए ये डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कि 400 रुपए ज्यादा देना वर्थ है या नहीं है। आई थिंक कई बार ऐसा होता है ना कि 400 रुपए ज्यादा देना वर्थ हो जाता है, तो मेरे लिए आई थिंक मैं 400 रुपए ज्यादा देकर ये वाइन लेना प्रेफर करूंगा, कैबने सुविनियर From Fridelli, then Classic Shiraz. Alright, तो अब ये जो comparison है वो खत्म होती है। आप भी दोनों वाइनों को try करो, अपने जो views हैं वो मुझे बताओ comment section में कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे आज के दारू तथ्य की, और हमारा दारू तथ्य हमें बताता है कि जो वर्ल्ड वाइड वाइन का प्रोडक्शन होता है उसमें नंबर वन पे आता है फ्रांस, नंबर टू पे आता है स्पेन, और नंबर थर्ड पे आता है इटली। ये जो तीन कंट्रीज हैं ये अक्रॉस द ग्लोब और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वाइन का प्रोडक्शन जो है वो करती हैं। तो ये था आज का दारू तथ्य, और हम अंत करते हैं आज के वीडियो का भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स,
प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट आपको आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। दिस वाज जेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। चीयर्स।